नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता.com में आपका स्वागत है। फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, ऑस्कर अवार्ड सभी के लिए शिखर माना जाता है। किसी फिल्म को ऑस्कर मिलना उसे न सिर्फ बड़ा बना देता है, बल्कि उसके दम पर फिल्म अमर हो जाती है। ऑस्कर हर फिल्म का सपना होता है, लेकिन उस ट्रॉफी की रेस में कंपटीशन बहुत तगड़ा रहता है। सिनेमा जगत में दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार अवार्ड ऑस्कर के 93 समारोह का आयोजन अगले साल होगा। इस बार कई बेहतरीन भारतीय फिल्में ऑस्कर की रेस में थी, लेकिन मौका मिला मलयाली सिनेमा जल्लीकट्टू को। हिंदुस्तान की तरफ से 27 फिल्में इस लिस्ट में थी। इस लिस्ट में छलांग, स्काई इज पिंक, गुलाबो सिताबो जैसी फिल्में शामिल थी, लेकिन अब जल्लीकट्टू भारत का प्रतिनिधित्व करती नजर आएगी। इस मौके पर हर कोई मेकर्स को शुभकामनाएं दे रहा है। सभी को उम्मीद है कि यह फिल्म देश का नाम रोशन करने वाली है। Congratulations to the entire team of Jallikattu for the entry of 93rd Academy Award Oscars. Proud and bright that Indian cinema is reaching up to the mark. I wish all the best to the entire team and I hope जल्लीकट्टू का निर्देशन लीजो जेस पेल्लिसेरी ने किया है। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली इस फिल्म के हर पहलू को तारीफ मिली है। पटकथा से लेकर निर्देशन तक सब कुछ बेमिसाल है, लेकिन इस फिल्म का इमोशन जूरी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने में कामयाब हुआ है। फिल्म में दिखाया गया है कि इंसान कई मायनों में जानवरों से भी बदतर होते हैं। हर किरदार ने दर्शकों संग कनेक्ट किया है और हर संदेश बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। इसी वजह से इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक भैंसा कसाई खाने से भाग जाता है और पूरे गांव में आतंक मचा देता है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस के साथ पूरा गांव जुट जाता है। कई कोशिशों के बाद भी भैंसा किसी के काबू में नहीं आता। इस पूरी कश्मकश में भैंसा खुद को भीड़ से कैसे बचाता है, यही इस फिल्म का सार है। चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि जल्लीकट्टू क्या है और इससे जुड़ा विवाद क्या है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के गांवों में खेले जाने वाला परंपरागत खेल है। ये खेल पोंगल के मौके पर आयोजित किया जाता है, जिसमें बैलों और इंसानों की लड़ाई होती है। ये खेल हमेशा विवादों में रहा है। साल 2011 में इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद NDA सरकार ने 2016 में फिर से इसे अनुमति दे दी। ये खेल 400 साल पुराना बताया जाता है। इस खेल में बैलों के सींगों में सिक्के या नोट फंसा दिए जाते हैं। बैलों या सांडों को भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है। लोग उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। इसमें नकद इनाम दिया जाता है। इस खेल में लोग गंभीर रूप से घायल भी होते हैं और कई लोगों की मौत भी हो गई है। 93 अकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर 2021 के लिए विदेशी भाषा कैटेगरी में भारत की ओर से साउथ फिल्म जल्लीकट्टू को बतौर ऑफिशियल एंट्री मिल गई है। भारत की ओर से ऑस्कर के लिए जाने वाली ये मलयालम भाषा की तीसरी फिल्म है, जबकि साउथ फिल्म इंडस्ट्री की 13वीं फिल्म है। होता ये है कि जब भी कोई फिल्म ऑस्कर में जाती है तो देखना ये पड़ता है उसको कि लोगों के बीच में उस फिल्म का नाम कितनी बार लिया जा रहा है, कितनी पॉपुलर वो वहाँ पर ऑस्कर्स में हो रही है। कई बार प्राइवेट स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, कई लोगों को इनवाइट करना पड़ता है, पेड स्क्रीनिंग रखनी पड़ती है, और बहुत मेहनत और बहुत भागा दौड़ी की कहानी होती है ऑस्कर्स में अपनी फिल्म को टॉप 5 फिल्म्स में, फॉरेन फिल्म्स में लेकर आने के लिए या फिर किसी भी कैटेगरी में लेकर आने के लिए। तो आई होप कि वो सब चीज़ें हो रही हों। हालांकि कोविड के चलते अब इस बार ऑस्कर्स में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, इस बात की संभावना से भी मैं इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन स्टिल ऑल द बेस्ट तो कहना ही चाहिए इस फिल्म को। कोरोना के चलते ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी में जल्लीकट्टू की दमदार दावेदारी इस बार भारत को ऑस्कर का सपना दिखा रही है। हिंदी सिनेमा के लिए ऑस्कर अवार्ड महज एक सपना सा प्रतीत होता है। 100 साल से भारतीय सिनेमा के हाथ अभी तक एक भी ऑस्कर अवार्ड नहीं लग पाया है, जबकि अकेले भारत में ही साल में सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया जाता है। इतना ही नहीं, भारतीय फिल्में विदेशी भाषा कैटेगरी में अब तक एक बार भी कोई अवार्ड नहीं जीत पाई है। इस साल 93 ऑस्कर नॉमिनेशन में जल्लीकट्टू को एंट्री मिली है, तो इससे पहले भी नरगिस सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की मदर इंडिया, अनीता कंवर की सलाम बॉम्बे और आमिर खान की लगान को नॉमिनेशन में जगह मिल चुकी है, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म ऑस्कर की ट्रॉफी को जीतकर भारत नहीं ला पाई। अब सभी को उम्मीद जल्लीकट्टू से है।
देखना होगा कि इस फिल्म का जादू ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में चलता है या नहीं।